अगर आपको भी 2023 में क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम देना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डिटेल में बताऊंगा नोट्स कहां मिलेगा, होमवर्क कहां मिलेगा, टेस्ट कहां मिलेगा, गेस क्वेश्चंस कहां मिलेगा और पूरा कंप्लीट स्टडी कैसे होगी, कितने बजे होगी, टाइमिंग वगैरह सारा डिटेल। वैसे मैं बता दूं कि मैं मेरे बच्चों क्लास आज ही से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मीन्स जो सेटअप तैयार करना होता है वो नहीं तैयार हो पाया, इसलिए मैं 2-4 दिन क्लास को शिफ्ट कर दिया हूं और 2 मार्च से क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले इस कोर्स का मैंने नाम रखा मिशन 2023, ठीक है, फिजिक्स का कोर्स होने वाला है मेरे बच्चों। ये मंडे टू फ्राइडे होगा, यानी कि मंडे से सैटरडे लास्ट ईयर मैं ले रहा था, लेकिन इस बार मैं मंडे टू फ्राइडे अभी ले रहा हूं। ब्रिज कोर्स अभी स्टार्ट करूंगा, ब्रिज कोर्स मतलब जो क्लास 12 पढ़ने से पहले जो 11th का पढ़ना जरूरी है सीखने के लिए क्लास 12 को, वह स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे कर दूंगा, या सैटरडे संडे को क्विज वगैरह में रखूंगा, ये प्लान है। टाइमिंग मेरे बच्चों 12 बजे नहीं 7:30 PM में होगी, सॉरी, टाइमिंग 7:30 बजे होगा शाम में रोज। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर होंगे, मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट या स्टेट बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपका टाइमिंग 7:30 बजे शाम में रोज रहेगा। क्लास में नोट्स भी मिलेगा, होमवर्क भी मिलेगा, टेस्ट भी होगा, गेस क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्विजेज भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन क्विज देखिए, ये सारी चीजें जो नोट्स, होमवर्क, टेस्ट और गेस क्वेश्चन है, सारा का सारा एमिंग हाई ऐप पे मिलेगा आप लोगों को, और ये सब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री दूं, जैसे पिछले साल के बच्चों को मैंने दिया है, ठीक है। और मेरे बच्चों अनअकैडमी पे क्विज होगा, और क्विज अनअकैडमी ऐप पे जब जाते हैं तो वहां सीबीएसई कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद ना फ्री वाले क्लासेस को देखने के लिए आपसे एक इनविटेशन कोड मांगता है, तो S Money 10 इनविटेशन कोड जरूर यूज कीजिएगा। आई होप कि आपको टाइमिंग पता चल गया होगा, 7:30 बजे रोज मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 2 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम। नोट्स, होमवर्क, टेस्ट, गेस्ट क्वेश्चन, ये सारी चीजें कैसे मिलेगी वो मैं अभी बता दिए देता हूं मेरे बच्चों, एक स्लाइड में वहां देख लीजिए, और उस तरह से आपको नोट्स वगैरह मिलेगा, वहां से नोट्स बनाइएगा, यूट्यूब पे लाइव क्लास करिएगा। अच्छा एक बात और, अगर कोई हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स होंगे ना, तो एक और चैनल है मेरा एमिंग हाई हिंदी, जैसे ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं वो तो एमिंग हाई पे देख रहे हैं, तो एमिंग हाई इंग्लिश मीडियम या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। एक दूसरा चैनल है हमारा एमिंग हाई हिंदी, तो एमिंग हाई हिंदी जो चैनल, इसमें मेरे बच्चों हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो वो जाके देख सकते हो वहां पे, वहां भी क्लास चलता है 12 बजे दोपहर में रोज, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं नोट्स वगैरह के बारे में कि कैसे आपको नोट्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स, होमवर्क, इन सब चीजों को लेने के लिए प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम एमिंग हाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दे दूंगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे सर्च करके भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब आप एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल करते हैं मेरे बच्चों, और यहां देखेंगे तो आपको ऊपर में स्टोर दिखेगा, मोबाइल में जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको नीचे में स्टोर दिखेगा, कहीं मोबाइल के नीचे में स्टोर दिखेगा, देखिएगा स्टोर के अंदर ही सारे कोर्सेस मिलेंगे। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेस दिखेगा, अभी फिलहाल में 2 कोर्स दिख रहा है, ठीक है। एक देखिए मिशन 2023 इंग्लिश मीडियम, एक मिशन 2023 हिंदी माध्यम। जिस भी मीडियम में आप लोग को स्टडी करनी है, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले में, या स्टेट बोर्ड में हिंदी माध्यम से होंगे तो हिंदी माध्यम वाले कोर्स को खोलेंगे। जब आप इस कोर्स को खोलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स को मैं क्लिक करके खोल लेता हूं, तो जब कोर्स को खोलेंगे ना, तो यहां पे आपको ऊपर में 2 चीजें दिखेगी, एक ओवरव्यू और उसके बगल में कंटेंट भी दिखेगा मोबाइल में, यहां पे डेस्कटॉप पे इधर दिख रहा है आपको, इधर दिखेगा कंटेंट। कंटेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो कंटेंट के अंदर कोर्स मिलेगा, ओवरव्यू में डिटेलिंग लिखा रहेगा कि कोर्स क्या है, कैसे, ये सब डिटेलिंग आपको ओवरव्यू में लिखा रहेगा, ओके। तो जब मेरे बच्चों आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट पे जाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको, अभी मैंने 2 ही फाइल बनाया, एक ब्रिज कोर्स का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, ऐसे हिंदी माध्यम में बना हुआ है। ब्रिज कोर्स मतलब जो पहले मैं बोला था कि ब्रिज कोर्स पढ़ाऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के पहले जो पढ़ाया जाता है, 11th की इंपॉर्टेंट चीजें वो, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, समझ रहे ना, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर हो गया, फिर अगला चैप्टर कैपेसिटर, सारा चैप्टर फिर रेगुलरली स्टार्ट होगा। तो इसी हर एक फाइल के अंदर सारा नोट्स वगैरह आप लोगों को क्लिक करके खोलेंगे तो मिलेगा। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्लिक करके खोलता हूं, देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्लिक करके खोला, देखिए हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर मिल जाएगा, होमवर्क भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, मतलब हर एक चैप्टर वाइज मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपको दूं। साथ साथ मेरे बच्चों देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेरिवेशंस भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है, पढ़ेंगे तो, मतलब जो पहले चैप्टर में जितना भी डेरिवेशंस करना है, 13 डेरिवेशंस मैंने वीडियोस के रूप में डाल दिया, देखिएगा 13 वीडियोस, मतलब A to Z चीजें आपको हर एक चैप्टर वाइज मिलेंगी, आशा करता हूं। तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स के सारे स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स तैयार रहेंगे 12 बजे, ठीक है, 2 मार्च से, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी तैयार रहेंगे 2 मार्च से शाम को 7:30 बजे, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट या स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, ठीक है, 7:30 PM में। तो तैयार रहिए, मिलकर के क्लास स्टार्ट करेंगे, अभी मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे करेंगे, बट अभी मंडे टू फ्राइडे ही रखेंगे, देखते हैं बाद में। तो बस
वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू।